हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जो है फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर हमारी एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, MCQs हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आके डिस्कस करेंगे। तो आइए शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। हमने इसके बारे में यहाँ पर नोट्स लिखे हैं और वो नोट्स जो है आपको दिखाएंगे कि कैसे उसके आंसर्स जो है वो बन सकते हैं इनके। आइए देखते हैं और चलिए। तो केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास टोटल 6 हैं और इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें रीजंस देने हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं, उन कंडीशंस के हमें रीजंस देने हैं। तो गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स जो हैं उन दोनों में नीचे जाने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है, ये क्यों होती है, ये हमें इसका रीज़न देना है। तो इसका रीज़न हमारे पास ये हो सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज द वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैंस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीज, देयरफॉर इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटम का रेडियस बढ़ जाता है और एटम का रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होंगे और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होगी और साथ में बीच में जो है शील्डिंग इफेक्ट भी होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है, अट्रैक्शन कम होगी उस न्यूक्लियस की उस पर, तो इसीलिए वहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो वो इजी होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसीलिए इससे हम कहते हैं कि नीचे जाने से क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है या दूसरा रीज़न देना है वो है बॉयलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउनवर्ड ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने से हैलोजन की बॉयलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ क्यों होती है, कम क्यों होती है, सॉरी इंक्रीज़ क्यों होती है, बढ़ क्यों जाती है। तो हैलोजेंस की हमें पता है कि नीचे जाने से क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट, और वो इसलिए होती है क्योंकि नीचे जाने से एटम का साइज़ बढ़ जाता है, एटम का साइज़ बढ़ने से स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एटम्स के बीच में, एटम के बीच में जो फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और लंडन डिस्पर्जन जो फोर्सेज हैं वो भी स्ट्रांग हो जाती हैं। ये क्या होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं, उसकी वजह से हैलोजेंस के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है और नीचे जाने से वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं, थर्ड है गैलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन एल्यूमिनियम। गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम क्यों है एल्यूमिनियम से, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ता है और ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसका कम होगा, नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम जो है ये हमारे पास मौजूद है ऊपर और गैलियम जो है ये एल्यूमिनियम है और गैलियम जो है वो नीचे मौजूद है, लेकिन गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम है, वो क्यों है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है इरेगुलरिटी है और ये किस वजह से है, इस वजह से है क्योंकि गैलियम हैज़ डी ऑर्बिटल्स एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड मोर इलेक्ट्रिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, हैंस द हैंस स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। तो गैलियम के अंदर क्या है, गैलियम के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है बीच में, शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके उन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की, और इस वजह से जो शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी वजह से गैलियम का रेडियस भी छोटा हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नंबर 4 पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जो 1A ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से मतलब नीचे जाने में, सीजियम तक जाने में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, डिक्रीज़ क्यों होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये डिक्रीज़ क्यों होती है ये देखते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज द बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। ये इसलिए होता है क्योंकि
यहाँ पर नीचे जाने से क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, एटम का रेडियस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एटम का जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा दूर जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे उतना वहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें अट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल है। न्यूक्लियस उतना ज़्यादा दूर जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नीचे जाने से डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है। आगे चलते हैं, अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है, अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है ये वो लूज़ कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दे आर गुड कंडक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 4 पे। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक जो जो स्ट्रेंथ है एसिडिटी की वो बढ़ जाती है, ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन डिक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। तो जैसे ही आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और कम हो जाती है, और जैसे ही स्ट्रेंथ कम होगी तो वो क्या करेगा, H+ आयंस को डोनेट कर पाएंगे, और जैसे ही H+ आयंस को डोनेट कर पाएंगे तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो इजीली जो डोनेट कर पाएगा H+ आयंस को उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। नंबर 7 है, फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो इसका आंसर है, फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द एलिमेंट्स, मेकिंग इट हाईली कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये इसलिए है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और गेन कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो है ऑक्सीडाइज कर देगा उन्हें और खुद रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या है, और कुछ जो अल्कली मेटल्स के कलर के फ्लेम बताइए, फ्लेम के कलर्स बताइए। तो फ्लेम टेस्ट इज़ ए क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक आयंस इन द सैंपल बाय ऑब्जर्विंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दे इमिट व्हेन दे हीटेड। तो एलिमेंट्स जो है जब हीट किए जाते हैं तो वो एक तरह का कलर्स जो है दिखाते हैं, उन कलर्स को फ्लेम का वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो हर उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो इस तरह का फ्लेम करता है, और उस वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो ये एक टेस्ट है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स की पहचान करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर हमारे पास बुक के अंदर लिखे हुए हैं, लिथियम का जो है वो रेड कलर होता है, सोडियम का येलो होता है, पोटेशियम का वायलेट होता है, रूबीडियम का रेड वायलेट, और सीजियम का ब्लू वायलेट होता है। तो ये सिंपल बात है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की जो है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो खुद से ऑक्सीडाइज होता है, खुद से रिड्यूस होता है, तो वो आप एक्सप्लेन करें। तो ये बहुत ही सिंपल है, बुक के अंदर लिखी हुई है, क्लोरीन हैज़ प्रॉपर्टी टू रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज सेम रिएक्शन। ये सेम रिएक्शन के अंदर रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है क्लोरीन और वाटर का, जिसके अंदर क्लोरीन जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है यहाँ पर और रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। नंबर 4 में आते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय डायगोनल रिलेशनशिप। मेंशन 3 पेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दैट शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ये कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ रिजेम्बलेंस होती हैं एलिमेंट्स के बीच में, जो कि डायगोनली एक दूसरे के डायगोनल्स में मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, इन्हें हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे कि इन एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है वो सेम होता है, इनके एटॉमिक नंबर्स भी मिलते जुलते हैं, आयोनिक साइजेस भी इनके मिलते जुलते होते हैं। तो इनके पेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, 3 पेयर्स आर लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एंड बोरॉन एंड सिलिकॉन। सिर्फ आपको ने नाम लिखने हैं इनके, और ये आपके पास क्वेश्चन हल हो गया। नंबर 5 पे आते हैं, डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन 3A ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो 3A ग्रुप के अंदर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंस आता है एलिमेंट्स के बीच में।
3A ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है नीचे जाने से, ग्रुप में नीचे जाने से डिक्रीज होती है एज यू मूव डाउन द ग्रुप, एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर एटम्स। तो नीचे वाले जो एटम्स हैं उनमें क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी है जो डिक्रीज हो रही है। नंबर 6 पे आते हैं, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम दैट शो यूनिक बिहेवियर इन 2A ग्रुप। 2A ग्रुप में बेरिलियम जो है यूनिक बिहेवियर क्या शो करता है, तो यहाँ पर हमारे पास है बेरिलियम हैज़ लो डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूनिक है। एंड बेरिलियम इज़ हार्डर एंड मोर रिजिड देन द ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद है बेरिलियम एग्जिबिट केमिकल स्टेबिलिटी फॉर्मिंग ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस। तो ये हमारे पास तीन जो है प्रॉपर्टीज़ हैं बेरिलियम की जो कि यूनिक हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चन, इस चैप्टर के अगर लेक्चर्स चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके इसके पूरे चैप्टर के लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।